तिवारी ब्लॉग। तो गाइस आज आप सभी को लेके जा रहे हैं माता रानी के जो मेले चल रहे हैं उनकी रौनक मेले दिखाने के लिए एक बार फिर से। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे लंगर लगे, कैसे कैसी यात्रा चल रही है। भाई अभी चल रही है बारिश और बारिश में माता रानी के भजन जो है ना, देखो आप जा रहे हैं यात्रा पे, सामने लंगर लगे, लंगर बहुत ज्यादा लगे होशियारपुर में। होशियारपुर का बस स्टैंड है तो ये सामने लंगर चल रहा है। हमारे चौहान वहाँ पे और भी ज़्यादा लंगर वगैरह लगेंगे, सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ की रोड के। जय माता दी। यात्री चौहान जाना क्योंकि उन्होंने करनी है पैदल यात्रा। भीड़ देख लो आप कितनी ज़्यादा है माता रानी के भक्तों की। और बाकी बारिश पड़ रही है देखो यार, यहाँ पे चौहान जाने के लिए ऑटो वगैरह मिल नहीं रहे ना, बड़ी ज़्यादा भीड़ लगी है भाई। लोग पैदल ही निकल गए माता रानी के दर्शनों के लिए। जय माता रानी। देखो आप होगी बहुत ज़्यादा भीड़ और ना ऑटो ऑटो मिल नहीं रहे, आगे लग गया जाम। अभी चलते हैं पैदल। जय माता दी। जहाँ तक जाएंगे आपको दिखा देंगे, बाकी अगर कुछ आगे साधन मिलेगा तो उसमें निकल जाएंगे। क्योंकि 10 किलोमीटर है यहाँ से चौहान और आगे की यात्रा तो आपको पता ही है माता रानी की। 50 किलोमीटर टोटल यात्रा माता रानी दी जी। देखो बाकी भीड़ देख लो साड़ी, अगे पिछु यात्री पूरे आ रहे हैं। जय माता दी। चौहान जाने के लिए ऑटो कम पड़ गए, बसें कम पड़ गई। माता रानी के दरबार जाने के लिए लोग पैदल भी जा रहे हैं, जिन्होंने पैदल जाना वो तो जाती हैं, लेकिन जिन्होंने गाड़ियों में जाना वो भी पैदल जा रहे हैं। लेकिन लंगर कम नहीं पड़ेंगे भाई, लंगर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जय माता दी। तो यहाँ पे भी चल रहा है लंगर। बच्चे भाग भाग के जा रहे हैं माता रानी के दरबार। देखो एनर्जी ज़्यादा होती है बच्चों में। आज की जो ब्लॉगिंग है ना भाई, बारिश में हो रही है। जय माता दी। वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, मज़ा बहुत आ रहा है। रास्ते में देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है दाल फुल्के का लंगर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो भाई अभी ना थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद अभी हम आ चुके हैं चिंतपूर्णी माता रानी का जो गेट है मेन, वहाँ पर अभी आपको भी दर्शन कराते हैं। जय माता दी। चलिए अभी हम यहाँ पर आ गए, ये थोड़ा शॉर्टकट लिया था मैंने बीच में से, नहीं तो एक रास्ता उधर से भी जाता है जो चलता है ऑटो वगैरह के लिए। जय माता दी। और जो आज की ज़्यादा भीड़ है ना भाई, आज है सैटरडे, कल है संडे, तो आज के दिन हर कोई मतलब आता है दर्शन करने के लिए माता रानी के दरबार। तो ये तो खास मेले, तो मेले में तो ज़्यादा रश मिलेगा आपको। तो उनमें से आज है 5वें नवरात्रे का रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और रास्ते में आपको कौन कौन सी मतलब जगह मिलती देखने के, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो आप माता वैष्णो धाम, चौहान डैम होते हम जाएंगे माता चिंतपूर्णी। जय माता दी। ये जाम करके हमको ना कोई ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा था चौहान के लिए। देखो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख लो। जय माता दी। तो भाई यहाँ पे लगा हुआ जाम में, बाकी दस तो रास्ता ठीक है। वहाँ से झंडे लेके लोग अपने मोटरसाइकिल पे भी लगा लेते हैं, हाथ में लेके भी जाते हैं। जय माता दी। बाकी यात्रा हमारी चल रही है भाई। मैंने एक बार पहले भी यात्रा की है होशियारपुर से चौहान तक, पिछली बार के ब्लॉग अगर आप देखे होंगे तो भी, तो 10 किलोमीटर के करीब ये यात्रा पड़ जाती है। और रास्ते में मिलते हैं आपको लंगर भंडारे बहुत ज़्यादा। तो अभी देखते हैं कहाँ तक हम जाते। माता रानी के दरबार जाने का था विचार, अभी हमको बस तो मिली नहीं। अगर आगे से हमें कुछ कन्वेंस मिलता है तो फिर निकल जाएंगे माता रानी के दरबार और आपको दिखाएँगे।
पांचवें नवरात्रि की वहाँ की धूम और वहाँ की होड़के। जय माता दी। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल में लोग जाते थे उत्पाद, मोटरसाइकिलों से आना जाना सब मोटरसाइकिलों में। जय माता दी। तो यहाँ पे हर जगह पे लंगर, जगह जगह पे आपको देखने को मिलेंगे लंगर भंडारे। अगर आप अकेले कहीं ऐसे निकलो ना, नहीं कर होता, लेकिन इस टाइम पे आप जितना मर्जी चल लो पता भी लगता है माता रानी का आशीर्वाद देता है। जय माता दी। तो भगत डांस करते हुए नजारे लेते जा रहे, देखो जगह जगह पे आपको लंगर भंडारे देखने को मिलते हैं भाई। देखो ठंडा पानी, मजा तो मिल जाता है, लेकिन इंसान ना थोड़ा सा पेशेंस वाला चाहिए, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे रास्ते में ना हमें माता वैष्णो देवी का दरबार भी मिल जाता है यात्रा के रास्ते में। जय माता दी। इसका ब्लॉग ऑलरेडी मैंने डाला हुआ अपने चैनल पे, बाकी आपको भी यहाँ का व्यू दे देते। देखो आप यहाँ पे भी देखिए लंगर चल रहा है भाई। मेलों के टाइम में ना आपको एक अलग ही वाइब मिलती है यहाँ पे माता की। जय जयकार से पूरे रोड गूंजते, रास्ते में लगे हुए बहुत ज़्यादा भंडारे और लगे डीजे जिसमें चल रहे माता रानी के भजन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। जय माता रानी। भाई अगर आप भी आने का विचार कर रहे हो ना, तो पहले आप देख लो एक बार यहाँ का शाम का नज़ारा, कुछ इस तरह का आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। और ये सब जा रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। जय माता दी। और जैसे मैंने पहले बताया, इसकी भीड़ का कारण ये भी है क्योंकि आज है सैटरडे, कल है संडे भाई, इस करके भी ना सभी लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। जय माता दी।
हैं।